सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमान चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल और आप देख रहे हैं हज़रुल रहमान चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों जादू का पत्थर। आज मैं आप लोगों को दोस्तों एक ही वीडियो में तीन चीज़ दिखाने वाला हूं। अभी तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा डाइजिंग का झोपड़ा, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह, और फिर मैं उसके बाद में आपको लेके जाऊंगा जादू के पत्थर में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले हम डाइजिंग का झोपड़ा। ये है दोस्तों डाइजिंग के झोपड़े के अंदर आने का गेट, और मैं इसी गेट से अंदर आया हूँ। और अभी हम लोग चलेंगे इधर, यहाँ पर अब हम अंदर चलेंगे। ये हम लोग आ गए। ये है दोस्तों डाइजिन के झोपड़े की छत। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। अब मैं आप लोगों को अब मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। चलिए अब आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं ढाई दिन के झोपड़े से बाहर आ चुका हूं और अब मैं आपको लेके चल रहा हूं मैं मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह में। और आप देख सकते हैं ये है ढाई दिन के झोपड़े का गेट। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूं और फिर मैं उसके बाद आपको लेके चलता हूं मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह में। ये है दोस्तों ढाई दिन के झोपड़े का गेट, और मैं इसी गेट से अंदर गया था। और ये रही सामने सीढ़ियाँ। पर आपको एक बात मैं और बता दूँ कि अगर आपको ताड़ागढ़ या सरवार शरीफ जानी है तो आपको गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह में। दोस्तों जब आप ताड़ागढ़ वाले रास्ते से जाएंगे तो आपको अंगूठी, तस्बी और हकीक पत्थरों की बहुत दुकानें दिखेगी। ये आप देख सकते हैं हकीक पत्थरें, अंगूठियाँ और तस्बियाँ बिक रही है, और भी काफ़ी सारे दुकानें हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह में। आपको मैं बैक कैमरे से दिखा दूँ। ये है दोस्तों मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह, और मैं आपको बता दूं कि मैं इधर से आया हूं।
इधर से मैं आया हूँ और ये है आने का रास्ता और ये है सामने मीठे निम्बल बाबा की दरगाह और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह शरीफ के अंदर। ये है दोस्तों मीठे नीम वाले बाबा की मज़ार शरीफ। और अब मैं आपको कैमरे को चारों तरफ घुमा के दिखाता हूँ मज़ार शरीफ के। चलिए अब हम चलेंगे आगे। दोस्तों आप वीडियो को रोक के जरूर पढ़िएगा। और अब हम यहाँ से इस गेट से बाहर जाएंगे और सही लिखा हुआ इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ये है दोस्तों रास्ता ताड़ागढ़ का, आप देख सकते हैं कैसे पत्थर हैं। अगर आप ताड़ागढ़ आ रहे हैं पैदल तो आप बड़े पीर साहब के रास्ते से आइए और जादू के पत्थर के रास्ते से आप उतरिए। इससे आपको जो है बड़े पीर साहब का चिल्ले की भी ज़्यारत हो जाएगी और आप इधर से उतरेंगे ना जब तो आपको जादू का पत्थर भी दिख जाएगा। और थोड़ी ही दूर पर मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह है और उससे थोड़ा और आगे ढाई दिन का झोपड़ा है। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मज़ार है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं जादू के पत्थर के वहाँ पे। आप सामने देख सकते हैं ये जो पत्थर है ये वही पत्थर है जो जादू के पत्थर के नाम से मशहूर है। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। सरकार के दो उंगलियों का निशान है आंखों पर लगा। बिस्मिल्लाह चाबुक को चूमू, ये घोड़े का घुटने का निशान है, हाथ दोनों हाथ फेरो घुटनों पर लगाओ। ये जादू का पत्थर है, आगे आगे चप्पल उतार के भारत करो, दो उंगलियां आंखों पर लगाओ, चाबुक के चूमो, घोड़ा घुटने का निशान है घुटनों पर लगाओ, आगे आ जाओ, ये तो उंगलियां आंखों पर लगाओ, चप्पल उतार के आ जाओ, बिस्मिल्लाह बोल के लगाओ। ये पत्थर है चाबुक को चूमो, चलिए अब मैं आपको पत्थर को ऊपर से दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ढाई दिन का झोपड़ा और उसके बाद में मैं आपको दिखाया मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह और उसके बाद में मैंने आपको दिखाया जादू का पत्थर जो यही पत्थर है जो जादू के पत्थर के नाम से मशहूर है। और ये पत्थर ताड़ागढ़ के उतरने वाले रास्ते में है, आप जब ताड़ागढ़ से उतरेंगे तब आपको ये पत्थर दिख जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। और अगर अजमेर शरीफ की आपको और भी वीडियो देखनी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। और या फिर आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं।
तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट स्टॉप में, जब तक के लिए बाय बाय।